Hey, very good morning, your class. This is Shivam, and today we are start our new chapter, chapter number 8, comparing quantities. ठीक है? बेटा quantities की बात करते हैं, quantities होती है आपकी मात्रा, ठीक है? जिस मतलब compare होता तुलना करना, quantities की तुलना करना, ठीक है? Quantities क्या होंगी अब इसमें आपके, इसके पास quantities के रूप में आपके पास क्या होगा? Basically इसमें quantities के रूप में आपके पास होगा, वो होगा आपके पास जैसे आपके पास कोई अमाउंट दिया होगा, या अगर आपने प्रीवियस क्लास में तो वहां पे क्वांटिटीज की तरफ में आपको कोई किलोग्राम ग्राम में जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट दिया होगा, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ दी होगी, तो वो क्या होती है बेटा? क्वांटिटीज होती है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटीज क्या होता है बेटा? इट इज द रेशियो ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर क्वांटिटीज इन द सेम यूनिट, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? कंपेयरिंग क्वांटिटीज। डेफिनेशन में जरूरी नहीं है इतना समझ लो कि कंपेयरिंग क्वांटिटी का मतलब होता है कि ये एक ऐसा रेशियो है टू और मोर, जिसमें कि टू और मोर क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है, रेशियोज में कंपेयर किया जाता है इन द सेम यूनिट में, ठीक है? एक किलोग्राम दूसरे को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा, एक ग्राम और दूसरे को ग्राम में चेंज करना पड़ता है, ठीक है? तो वो तो हो गया अलग बात। अब कंपेयरिंग क्वांटिटी बेसिकली आप पढ़ेंगे इसमें, आप पढ़ेंगे बेटा इसमें सीधा ही सीपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, अमाउंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इंपोर्टेंट चैप्टर आपके लिए, ठीक है? यहाँ से अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? सो बेसिकली बात करें सबसे पहले, तो हम स्टार्ट करते हैं सीपी से, क्लियर की बात। तो अगर मैं सीपी की बात करूं, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में बोलते हैं सीपी, इसका मतलब होता है बेटा खरीदी हुई वस्तु का मूल्य कहलाता है। हिंदी में लिखवा रहा बेटा, तो क्या आपको ढंग से समझ आए, ठीक है? खरीदी गई वस्तु का मूल्य, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। मतलब जितने भी आप, जैसे मैंने ये पेन 25 रुपए का मैंने खरीदा है, ठीक है, अगर मैं दुकानदार हूं तो भी मैं 25 रुपए अगर मैं इसमें खरीदता हूं तो वो हो गया कॉस्ट प्राइस। तो मैं अगर इस पेन कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज, ठीक है? अब देखिए बेटा योर कॉस्ट प्राइस, अब सेलिंग प्राइस, आपने सारी चीजें पहले पढ़ी हुई, जिसको हम लिखते हैं एसपी शॉर्ट में। तो ये खरीदी हुई वस्तु का मूल्य और ये बेची हुई वस्तु का मूल्य, बेची गई वस्तु का मूल्य, बेची हुई वस्तु का मूल्य कहलाता है एसपी, ठीक है बेटा? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, फिर से कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर की बात। चलिए एक और कॉस्ट प्राइस, मतलब मैं अगर दुकानदार हूं, मैंने ये पेन 25 रुपए में खरीदा, वो हो गया मेरे इसका पेन का कॉस्ट प्राइस। अब जब मैं बेचने गया इसको तो मैंने 30 रुपए का बेचा, तो 25 रुपए क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस और 30 रुपए क्या हो गया बेटा मेरा सेलिंग प्राइस, जितने में बेचो एसपी, जितने में खरीदा वो सीपी, क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहां तक अगर आपको क्लियर होगा तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आते हैं टर्म लॉस और प्रॉफिट, तो कैसे कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है? देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन है कि इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, ठीक है? और एक नेम और लिख लीजिए इसका, कॉस्ट प्राइस को बता बेटा हिंदी में क्रय मूल्य, मालूम होना चाहिए आपको क्रय मूल्य, और सेलिंग प्राइस को बोलते हैं बेटा विक्रय मूल्य, ठीक है? ये हिंदी में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? फिर कंफ्यूज करते आगे जाएंगे कि ये क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है? तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब कभी भी सीपी ज्यादा होगा एसपी से, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा एसपी से, मतलब मैंने जितने भी इस पेन को खरीदा वो मूल्य ज्यादा है जितने में बेचा, मतलब मैंने इसको 25 में खरीदा और 20 में बेचा, तो मुझे तो सीधी बात है बेटा 25 में खरीदा और 20 में बेचा तो 500 रुपए का लॉस होगा सीधे सीधे, तो उस कंडीशन में मुझे क्या हो रहा है बेटा लॉस। तो मैं यहां देखो देन देयर विल बी लॉस, ठीक है? देन लिखो देन देयर विल बी अ लॉस, ठीक है? वहां पे मुझे लॉस होगा। अब लॉस निकलता कैसे है? आपने लॉस निकालना है कि मुझे कितने रुपए का लॉस हुआ, तो कितने रुपए का, जो भी वैल्यू बड़ी होगी, यहां पे सीपी बड़ा है तो बड़े वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, और झंझट मत रखो, सीपी बड़ा तो सीपी से एसपी माइनस कर दो, मतलब कॉस्ट प्राइस जब आप एसपी माइनस करेंगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने पेन 25 में खरीदा, सीपी मेरा 25 है और एसपी मैंने कितने कितने का बेचा, उसको 20 बेच दिया, तो मैं लॉस निकालूंगा बेटा, लॉस क्या निकलेगा? सीपी माइनस एसपी मतलब 25 माइनस 20, तो मुझे कितने का लॉस होगा? 5 रुपए का लॉस होगा, तो यह लॉस होगा, 1 लाख का मूल्य हो चुका होगा। नेक्स्ट कंडीशन, इफ
सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन एमएसपी, अगर सेलिंग प्राइस बेची गई वस्तु का मूल्य ज्यादा है खरीदी हुई वस्तु के मूल्य से, तो वहां पर सीधी बात है मुझे बेटा प्रॉफिट होना। देन देयर विल बी प्रॉफिट, तो वहां पर प्रॉफिट होगा। चलिए आप प्रॉफिट का फॉर्मूला देखें चैप्टर, तो फिर से जो बड़ी वैल्यू है उससे माइनस कर दो छोटी, एसपी बड़ा है यहां पे ज्यादा है तो एसपी से माइनस करो सीपी, मतलब एसपी से आप सीपी माइनस करेंगे तो आपको लॉस आ जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मैंने पेन को खरीदा था मान लीजिए 25 में और बेच दिया 30 में, तो ये क्या है मेरा सीपी और ये क्या है मेरा एसपी, तो एसपी माइनस सीपी 30 माइनस 25, तो यहां पर मुझे माइनस 5 घाटा हुआ लॉस, और मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहां पर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 5 रुपए। तो ये आई थिंक आपको समझ आएगा लॉस और प्रॉफिट का यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो बात होगी लॉस और प्रॉफिट, अब चलते हैं हम लॉस परसेंट में। अच्छा एक चीज मैंने बता दी कि बेटा मुझे 5 रुपए का लॉस हुआ, अब मैं इनकम को मुझे कितना परसेंट परसेंट के रूप में बताना होता, मुझे कैसे कहूँ कितना परसेंट मुझे वहां पे लॉस हो, तो आप बेटा लॉस परसेंट में देखो एक बात याद रखनी है, पहले फ्रैक्शन बनाएंगे उसमें आपने एक बात रखनी डिनोमिनेटर में, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो कॉस्ट प्राइस के को देखकर ही पता लगता है, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करके ही क्वांटिटी को पता लगता है, ठीक है। मतलब कॉस्ट प्राइस में आपका हमेशा डिनोमिनेटर में होगा, क्लियर बात होगी, चाहे लॉस परसेंट निकाल रहा चाहे प्रॉफिट परसेंट सीपी हमेशा नीचे होगा, क्लियर है बात, चेक कर लो ठीक है, सीपी हमेशा नीचे होगा। अब वहां पर यह देखना आपको क्यों बेटा लॉस, तो ऊपर क्यों बेटा लॉस, लॉस भी सीपी में होता है प्रॉफिट भी सीपी से कंपेयर करके ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 100%, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ लॉस परसेंट। फॉर्मूला बेटा आपको सारे के सारे याद करने पड़ेंगे, ठीक है, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखिए ये तो लॉस परसेंट का था, आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, तो मैंने कहा सीपी को तो सीपी के साथ कंपेयर करके ही पता लगता है कि मैं प्रॉफिट कितना हुआ लॉस कितने परसेंट का हुआ, तो सीपी और प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ऊपर आएगा जितने का प्रॉफिट हुआ, जैसे मुझे 5 का प्रॉफिट, तो मैं लिखूंगा 5/ सीपी था मेरा 25, तो 5/25 गुणा 100%, यह आ गया मेरा प्रॉफिट का फॉर्मूला। चल ये तो बात क्लियर हो गई, अब हम पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, साधारण ब्याज। ठीक है, जिसको हम छोड़ देते हैं एस आई, और इसका फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का जो आप पढ़ते हैं फिर से, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, प्रिंसिपल अमाउंट रेट दर और टाइम समय डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पे मैं अगर प्रिंसिपल अमाउंट की बात करूं बेटा, ये अमाउंट क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बैंक में गया, बैंक में स्कीम चली थी एक साल की, बैंक बोल रहा है कि आप एक साल के लिए 100 रुपए जमा करवाओ, उसमें आपको रेट जो है 10% का मिलेगा, तो जो मैंने बेटा 100 रुपीज जमा करवाया ना पहले बैंक जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगा हुआ, बिना इंटरेस्ट लगा हुआ जो अमाउंट है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अब जो मुझे 10% लग गया, 100 का 10% 10 होता है बेटा, जो मुझे एक साल के बाद मिलेगा मतलब 110 रुपीज, उसको मैं प्रिंसिपल अमाउंट नहीं बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा बेटा मैं अमाउंट या टोटल अमाउंट, अमाउंट या टोटल अमाउंट, तो टोटल अमाउंट का भी कुछ फॉर्मूला होगा, क्लियर होगी बात, तो यहां से अमाउंट का फॉर्मूला भी निकालेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट कैसे निकलता है बेटा, इसमें मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी जुड़ा साथ में होता है आपका टोटल अमाउंट, मतलब उसमें प्रिंसिपल पी तो होगा ही होगा, साथ में क्या लगा होगा साथ में उसके साथ क्या प्लस होगा इंटरेस्ट, जैसे कि 10 रुपए मेरे इंटरेस्ट में लगा, तो मतलब 100 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट था और एक साल का 10 रुपए मेरे को लगे बेटा इंटरेस्ट, तो मुझे टोटल अमाउंट कितना मिला बेटा 110 रुपीज, तो ये थे इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले, ठीक है। अच्छा एक फॉर्मूला और है आपका, लिख लीजिए डिस्काउंट, डिस्काउंट के क्वेश्चन आएंगे आपको आगे, डिस्काउंट को फोन लीजिए, डिस्काउंट ये छूट मिलती है आपको, ठीक है, डिस्काउंट का प्राइस होता है बेटा मार्केट प्राइस, कैसे निकालते हैं हम मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, मार्केट प्राइस को आप एमआरपी बोलते हैं, ठीक है, एमआरपी माइनस सेल्स प्राइस, तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट में आप देखते हैं
जो एमआरपी लिखा होता है वो उसका मतलब होता है बेटा कि वो प्रोडक्ट मैक्सिमम जो है वो उतने रुपए का बिक सकता है। जैसे कि कईयों में लिखा होता है, जैसे आप कुछ भी चीज ले लीजिए, शैम्पू ले लीजिए, उसमें लिखा होगा अगर 285, ठीक है, और आपको मिलता भी 285 का ही है वो, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं भी आपको कुछ वो कम करके मिल सकता है, वो मैक्सिमम मतलब 285 का बिक सकता है, कोई आपको उसमें 5 रुपए भी छोड़ सकता है, कोई 10 रुपए भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो मार्केट प्राइस में तो कम छोड़ेगा जब वो सेल लगाएगा, तो मार्केट प्राइस सेल प्राइस माइनस करेंगे तो वो क्या होता है आपका डिस्काउंट। चलिए तो डिस्काउंट का डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो फिर से देखो बेटा डिस्काउंट परसेंट लिख दो डी परसेंट, समझ जाएंगे डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। तो यहां पे भी कंपेयर करें क्वांटिटी को 100% से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब यहां पे नीचे जो आएगा वो आएगा आपका मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे आप जो उस डिब्बे में लिखा होता है, और ऊपर क्या आएगा डिस्काउंट, जितने का डिस्काउंट आपको किया जा रहा है, मतलब मान लो मुझे किसी आइटम में 10 रुपए का, मतलब किसी आइटम का 100 रुपए एमआरपी और उसमें मुझे 10 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब मार्केट प्राइस कितना बेटा 100 और डिस्काउंट दिया 10%, तो कितने परसेंट मुझे छूट मिल रही है, 10% मुझे छूट मिल रही है, डिस्काउंट 10% का मिल रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लें यहाँ पे, तो ये थे आपके कुछ फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी उसमें कंपाउंड टर्म्स का फॉर्मूला आएगा। फिलहाल के आप सभी फॉर्मूले का आपका आज का वर्क यही कि आपको सभी फॉर्मूले को लर्न करना है, एक ही फॉर्मूला ढंग से समझाया हुआ है यहां से पढ़े लास्ट तक, ठीक है, आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।